आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हमारा ध्वनि तरंगे एंडोलिम्फ में कंपन उत्पन्न करती है, जो कि निम्न में से एक को प्रभावित करके श्रवण हेतु उद्दीपित करती हैं। तो हमारे विकल्प हैं बेसिलर झिल्ली, टेक्टोरिल झिल्ली, रीजनर्स झिल्ली और कॉकुलर वाहिनी। तो हमें बताना है कि ध्वनि तरंगे एंडोलिम्फ में कंपन उत्पन्न करती हैं, जो कि निम्न में से एक को प्रभावित करके श्रवण हेतु उद्दीपित करती हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो हमारे पिन्ना के थ्रू इनर ईयर में जाती हैं, मतलब मिडिल ईयर से होते हुए इनर ईयर में। तो इसे हम लिखेंगे, सबसे पहले ध्वनि तरंगे कहाँ जाती हैं, ध्वनि तरंगे शॉर्ट में लिख लेते हैं हम इसे, ये आएगी टिम्पैनिक झिल्ली, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम। अब इसके बाद ध्वनि तरंगे कहाँ पे जाएंगे, अंडाकार गवाक्ष में जाएंगे, ठीक है। और किसके माध्यम से जाएंगी, ये जाएंगी कान के अस्थि पंजर के माध्यम से। फिर अंडाकार गवाक्ष के बाद ये जाएंगी कोकलिया में, कोकलिया के तरल पदार्थ में जाएंगे। इसके बाद ये ध्वनि तरंगे कहाँ पे जाती हैं, ये जाती हैं बेसिलर झिल्ली में कंपन कराती हैं। इसके बाद कहाँ पे, बेसिलर में कंपन, बेसिलर झिल्ली में कंपन उत्पन्न कराती हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमें पूरा साउंड सुनाई देता है, ध्वनि सुनाई देती है। आगे की प्रोसेस होती है, लेकिन बेसिलर झिल्ली में कंपन होता है, उसी की वजह से हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो हमारा उत्तर देख लेते हैं, उत्तर क्या होगा हमारा, उत्तर होगा हमारा बेसिलर झिल्ली, उत्तर होगा हमारा ए बेसिलर झिल्ली। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।